नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने जो उच्चारण का हमारी सीरीज चल रही है उसे मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि सर आप एक ही दिन में जो उच्चारण वाले एक एक करके बता रहे हैं उसे आप एक ही दिन में बता दीजिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा, आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यदि मैं एक ही दिन में सभी को एक साथ यदि आपको समझा दूँ तो हो सकता है आपका वहाँ पर हॉचपॉच हो जाए, आपको कुछ समझ ना आए, सब चीज़ मिक्स हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उससे हो सकती है। इसलिए कोई बात नहीं, एक एक दिन करके ही सही, लेकिन अच्छे आप इस चीज को समझिए, उसको उच्चारण करने का तरीका। बहुत सारे तो वहां पर शब्द है नहीं कि सभी के उच्चारण अलग होते हैं, कुछ एक वहां पे अल्फाबेट्स है जिसके उच्चारण अलग अलग होते हैं, बस उसे ही कुछ दिनों में आप समझ जाएंगे, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ही छोटी सी एक अच्छी सी टिप्स आपको देना चाहूंगा। आप मेरे वीडियो तो देखते ही होंगे, ये जो भी मैं रूल्स बताता हूँ, टेंस बताता हूँ और बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के बारे में आपको जो छोटी छोटी और अच्छी जानकारी देता रहता हूँ, आप सभी मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी ही नहीं, हो सकता है आप और भी बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियो देखते हो, लेकिन होता क्या है, आप देखते हैं उस समय आपको अच्छे से समझ आया था, अरे भाई ये तो बहुत ही इजी है, इस प्रकार से बताया है, मैं सब चीज समझ गया हूं या समझ गई हूं। लेकिन क्या होता है, कुछ दिन के बाद फिर आप नए जो वीडियो बना रहे हैं उसे आप समझते जाते हैं, लेकिन जब आप पीछे देखते हैं, अरे ये वाला इसका नियम हमें तो याद ही नहीं आ रहा है, ये उस समय तो मैं अच्छे से जानता था लेकिन क्या हुआ अब मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है बहुत से लोग ऐसे करते भी होंगे, जो लोग नहीं करते हैं वो आज से ऐसे कीजिए। एक बढ़िया से आप कॉपी ले लीजिए, मस्त बड़ी सी कॉपी, छोटी सी कॉपी, जो आपकी मर्जी, अच्छे से साफ सुथरी कॉपी ले लीजिए, अच्छे पेज वाली। वहां पर आप क्या कीजिए, जो भी वीडियो आप देखते हैं, आपको जिनका वीडियो पसंद है, जो आपको सही लगता है कि नहीं हमें सही जानकारी देते होंगे, और आप वहां पर क्या कीजिए, उनकी जो नियम है, रूल्स है, आप वहां पर टॉपिक लिख लीजिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है जी का सही उच्चारण, तो आप एक जगह उच्चारण वाला पेज बना लीजिए, वहां पर आप लिखिए एक कॉपी में उच्चारण और वहां पर जी का उच्चारण, सी का उच्चारण, ए का उच्चारण, मैंने जो जो सिखाया है आप वहां पर लिख लीजिए। हो सके तो साइड में चैनल का नाम भी लिख लीजिए कि हाँ विष्णु शर्मा सर ने इसे बताया था, विष्णु एटीपी चैनल में बताया था, या आप और किसी को फॉलो करते हैं तो उनका नाम लिख लीजिए। और वहां पर जो जो रूल्स बताते हैं, आप जब वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए चाहे तो, और वो रूल्स को आप लिखते जाए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला, आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपको उस समय क्लियर हो जाएगा, बस आप रूल्स को वहां पर लिखते जाएं, फिर क्या होगा, बहुत ही अच्छी नोट्स आपकी तैयार हो जाएगी। जब आप बहुत दिनों बाद भी आपको लगे कि नहीं ये रूल्स मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको YouTube में जाके हिस्ट्री में चेक नहीं करना है कि मैंने वीडियो कब देखा था, या फिर आप फिर से सर्च करना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जरूरत नहीं है कि ये सर ने क्या बताया था, फिर से खोजना पड़ेगा, आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप इस प्रकार से नोट्स बना के रखते हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। आप एक बार पेज पलटाएंगे, हाँ उच्चारण वाला यहाँ पे था, पेज पलटाएंगे आप देखेंगे अच्छा जी का ये नियम है, सी का नियम ये है, एच का, सभी का उच्चारण का नियम आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसी प्रकार के टेंस का आप बना लीजिए नोट्स, तो इससे होगा क्या, आपको इतनी जानकारी हो जाएगी, यदि कोई आपसे ही पूछता है कि भाई ये इसका रूल्स क्या होगा, तो आप खुद से उन्हें बता सकते हैं, भले हो सकता है कि आप कॉपी देख के बताएं, जो भी बताएं, लेकिन आप अच्छे से उसे बता सकते हैं, आप डिटेल में उसे बता सकते हैं। बस आप ये चीज जरूर करें, नोट्स बनाइए, जो भी बता रहे हैं आप लिखते जाइए, बस लिखते जाइए, जितने ज्यादा लिखेंगे आपको लिखने से याद भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी, और लिखा हुआ आदमी कभी नहीं भूलता है, ज्यादा दिनों तक वह याद रहता है। तो प्लीज आप ये करें, आपके ही फायदे के लिए मैंने बताया है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेसन है, क्लास है, वो भी बहुत ही छोटी होने वाली है, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, जैसे मैंने इससे पहले ए का बताया था, मैंने सी का बताया है, उसी प्रकार से जी का भी यहाँ पर दो उच्चारण होते हैं। जी का उच्चारण कहीं पर ग करते हैं, कहीं पर ज करते हैं। जी हाँ, जैसे हिंदी में हम जी का गणेश, जी का हम ग लिखते हैं, लेकिन कहीं पर जी का ज भी उच्चारण होता है। तो उसके नियम क्या है, बहुत ही आसान से नियम है, और इसके अपवाद भी होते हैं। मैंने जैसे कहा कि अंग्रेजी अपवादों से भरा हुआ है, कोई भी 100% आपको सही सही नहीं बता सकता कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इंग्लिश खुद में पूरी भाषा नहीं है, वो इधर उधर से लेके उसे मिलाकर बनाया गया हुआ है, तो वहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन उनको भी है, तो हिंदी भाषा में वो कन्वर्ट करके कैसे बता सकते हैं। तो ये हमारे अनुभव के आधार पर होते हैं, जिन्होंने भी बनाया है, अनुभव से, हमारे अनुभव, मेरे अनुभव, सभी को इकट्ठा करके नियम बनाया गया है। तो देखिए ग का उच्चारण, जो जी का उच्चारण है, ग कब होता है, उसका नियम है, बहुत ही छोटा सा नियम, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, बिल्कुल उसी प्रकार से नियम है, को ध्यान रखना है। जी के बाद यदि स्वर, स्वर आपको मैंने बताया था, यदि आपने वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो आपको पता है इंग्लिश के जो स्वर होते हैं जिसे हम वॉवेल्स कहते हैं, वो होता है ए, ई, आई, ओ और यू।
ये जो पांच है ये स्वर है, जैसे कि हिंदी में आ से लेकर यहां तक आपको पता है वो स्वर है, इसी प्रकार से इंग्लिश में ये पांच स्वर होते हैं। तो इन पांच स्वरों में से यदि ए ओ और यू, ए ओ यू, इन पांच स्वरों में से ए ओ यू यदि जी के बाद आते हैं, जी के बाद यदि ए ओ यू आते हैं तो वहां पर जी का उच्चारण ग होगा। इसके अतिरिक्त एक नियम और है, यदि जी के बाद ए ओ यू, ये वाला नियम तो आपको पता चल गया, अथवा इसके अलावा यदि कोई व्यंजन भी आता है, व्यंजन भी आपको पता है ये जो ए ई आई ओ यू स्वर को छोड़ देंगे तो उसके अलावा जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं जैसे कि बी हो गया, डी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, एस हो गया, ये सभी वहां पर व्यंजन कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो वो यदि आते हैं जी के बाद तो भी जी का उच्चारण वहां पर ग ही होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा था ए यदि आए जी के बाद तो ग उच्चारण होता है, तो देखिए जी के बाद यहां पर ए लिखा होगा, जी के बाद ए, तो यहां पर इसका उच्चारण ग होगा, जी यानी ज, ऐसे उच्चारण होगा ये जरूरी नहीं है। देखिए ये हो रहा है गेम, यहां पे जे उच्चारण नहीं हो रहा, यहां पे उच्चारण हो रहा है गेम। और यदि आप सोच रहे हैं कि ए लिखा हुआ है तो ए की मात्रा कहां से आई, तो आप मेरे पहले की वीडियो देख लेंगे, ए का उच्चारण कहां पे अ होता है, कहां पे आ, कहां पे ए, मैंने सब बताया हुआ है। तो यहां पर देखेंगे आप ए लिखा हुआ है तो गेम, यहां पर ग उच्चारण हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए जी के बाद फिर ए, गैंग, यहाँ पे जैंग उच्चारण नहीं हो रहा, जी लिखा हुआ था, यहाँ पे उच्चारण हो रहा है गैंग। उसी प्रकार से यदि ओ है तो देखिए ओ लिखा हुआ है, जी के बाद ओ, तो यहां पर भी ग उच्चारण हो रहा है, गोल्ड, यहाँ पे जो उच्चारण नहीं हो रहा है, गोल्ड हो रहा है, जोल्ड नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से आप देखेंगे यहां पर यू है, देखिए जी के बाद यदि यू आता है तो भी यहां पर ग उच्चारण हो रहा है, गन, जी यू एन, गन, यहां पर देखिए ग हो रहा है उच्चारण, जन नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से मैंने कहा था अथवा कोई व्यंजन हो तो, यानी कि ये जो वॉवेल्स है इसको छोड़कर अन्य कोई व्यंजन हो तो, जी के बाद यहां पर एल है तो इसका उच्चारण भी ग हो रहा है, देखिए ग्लोब, जी एल ओ बी, ग्लोब, यहां पे ज्लोब नहीं हो रहा है, ग्लोब हो रहा है। यहां पर देखिए जी के बाद आर है तो ये भी व्यंजन है, तो इसे छोड़ करके जो भी मैंने बताया था लेटर्स व्यंजन कहलाते हैं, तो देखिए आर है यहां पे, तो जी के बाद आर है, तो यहां पर ग्रेप्स, आपको पता है ग्रेप्स क्या होता है, अंगूर, तो ग्रेप्स, ग उच्चारण हो रहा है यहाँ पे, ग, ग्रेप्स, तो देखिए ग उच्चारण हो रहा है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जी के बाद जहां पर भी ए ओ यू हो या फिर कोई व्यंजन हो तो उच्चारण ग होता है। अब देखते हैं हम दूसरे नियम की ओर, दूसरा नियम है जी का उच्चारण ज कब होता है, तो देखिए इसका नियम क्या है, जी के बाद यदि ई हो, आई हो या फिर वाई हो तो जी का उच्चारण ज होता है। यहां पर भी कुछ अपवाद है जिसे मैं अंतिम में बताने वाला हूं, तो देखिए 90% आपका सही होगा, मैं इससे पहले भी कहता हूं आगे भी कहता रहूंगा, 100% तो नहीं होगा लेकिन आपका लगभग 90% आपका काम तो पूरे यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। और दो चार जो शब्द अलग है, जो अपवाद है, उसे तो आप प्रैक्टिस कर करके, इधर उधर से देख के, सुनकर, कभी मोबाइल में आए सर्च करके आप उसे जान सकते हैं। तो देखिए जी का उच्चारण जब ज कब होता है, ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण ज होता है। तो देखिए जी के बाद ई है, मैंने कहा था ई हो तो देखिए जेंडर, यहां पे गेंडर नहीं हो रहा है, यहां पर जैसे गेम हुआ था ग, तो यहां पे गेंडर नहीं हो रहा है, यहां पे हो रहा है जेंडर, तो जी के बाद यदि ई है तो ज उच्चारण होता है। उसी प्रकार से देखिए यहां पे है जी के बाद ई, जी के बाद देखिए ई है तो ये हो रहा है एंजल, इसे आप एंगल नहीं कहेंगे, बहुत से लोगों को यहां पर कंफ्यूजन होता है कि जी लिखा हुआ है तो जी का उच्चारण ग होता है तो एंगल बोल देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, इसका उच्चारण होगा एंजल क्योंकि जी के बाद ई लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, यदि आई हो तो देखिए जी के बाद आई लिखा हुआ है तो यहां पर लिखा हुआ है जिराफ, जी के बाद आई है तो ये हो रहा है जिराफ, गिराफ नहीं हो रहा है, तो ये जिराफ स्पेलिंग है, इसका स्पेलिंग ये होता है, तो यहां पर उच्चारण ज हो रहा है। उसी प्रकार से फिर देखिए जी के बाद आई है जिंजर, जिंजर आपको पता है अदरक को जिंजर कहते हैं, तो जी के बाद आई है तो यहां पर उच्चारण हो रहा है ज, जिंजर, तो देखिए। उसी प्रकार से यदि वाई हो तो जी के बाद वाई है तो यहां पर उच्चारण ज हो रहा है, जिम, गिम नहीं हो रहा है, जिम। और एक देख लीजिए यहां पर जी के बाद वाई हो रहा है तो यहां पर लिखा हुआ है एनर्जी,
एनर्जी, एनर्जी यानी ऊर्जा, आपको पता है ताकत ऊर्जा जो होती है उसे एनर्जी कहते हैं। तो यहां पर देखिए जी वाई, तो यहां पर ज उच्चारण हो रहा है, एनर्जी एनर्जी उच्चारण नहीं हो रहा है। तो आपको दोनों नियम बहुत ही सिंपल सा नियम है, छोटे से नियम है, आपको अच्छे से पता चले होगा। आप बहुत सारे शब्द खोज लेंगे बुक में रह जाए कहीं से भी, और आप उसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, नहीं समझ आएगा तो आप एक बार गूगल में भी देख लेंगे उच्चारण सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये 90% सही है, इसी प्रकार से उच्चारण किया जाता है। अब देखते हैं इसके अपवाद क्या क्या है। अपवाद है जैसे कि मैंने कहा था जी के बाद यदि आई हो तो हम ज उच्चारण करते हैं, लेकिन यहां पर देखिए जी के बाद आई तो है लेकिन इसे हम गर्ल पढ़ते हैं, जी आई आर एल गर्ल, यहां पर जर्ल नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि नियम में कहा है कि जी के बाद यदि आई हो, जी के बाद यदि आई हो तो ज होता है, तो ये एक अपवाद है। उसी प्रकार से देखिए जी के बाद आई है तो गिफ्ट हो रहा है, यहां पे गिफ्ट उच्चारण नहीं हो रहा है। और देख लीजिए जी के बाद ई है, तो मैंने कहा था जी के बाद यदि ई हो तो ज होता है, तो ये भी अपवाद है, यहां पे जेट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम गेट। और देख लीजिए जी के बाद फिर आई है तो यहां पे पढ़ रहे हैं बिगिन, बिजिन नहीं पढ़ रहे हैं। यहां पर देख लीजिए जी के बाद फिर ई है, फिंगर, तो देखिए जी के बाद ई है लेकिन यहां पर हमने कहा था जी के बाद यदि ई हो तो ज पढ़ते हैं, लेकिन फिंजर नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां पे पढ़ रहे हैं फिंगर। तो इस प्रकार के बहुत सारे अपवाद तो होते ही हैं, आपको पता ही है, उसे उसके लिए कोई आपको बहुत ज्यादा बुक बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आप बड़े बड़े बुक पढ़े या इसका अपवाद कि हम सोचे कि कहां से इसका नियम पता चले, तो ऐसे कोई नियम कहीं पर नहीं बना हुआ है अपवादों के लिए। ये अपवाद है क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको इंग्लिश अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो बहुत सारे भाषाओं से मिलकर बना है, अन्य अन्य भाषाओं से, कभी अमेरिकन का अलग है, ब्रिटिश का अलग है, और पहले जो ग्रीक भाषा वगैरह सबसे मिलकर बना हुआ है, इसलिए उसे खुद में कंफ्यूजन है, तो हिंदी के जो ट्रांसलेट है इंग्लिश में कैसे करें उसे खुद परेशानी होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जो अपने अनुभव के आधार पे बहुत से लोगों ने बनाया है हर जगह से, बुक वगैरह से, कहीं कहीं से हम इकट्ठा करके आपको ये प्रोवाइड कराते हैं, आपको उपलब्ध कराते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आपकी कम से कम आधे से आधा यहाँ पर सहायता तो हो ही जाएगी। तो मैंने बताया 90% आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो इसी प्रकार के और भी वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, आप सभी भूल जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।